महिला जिला चिकित्सालय गोंडा में बड़ी संख्याओं में अपनी इच्छा से कोविड का टीका लगवाने पहुंचे लोग और कोविड टीका लगवाने में मुस्लिम महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। वहीं पर एक व्यक्ति ने टीका खत्म होने का लगाया आरोप। ग्राउंड जीरो से देखिए हामिद अली की खास रिपोर्ट। मैं हामिद अली, आप देख रहे हैं आज की चाल लाइव न्यूज 18 गोंडा से। गोंडा में मैं जिला चिकित्सालय महिला में खड़ा हूँ, जहाँ पे वैक्सीन सेंटर है, जहाँ पे टीकाकरण हो रहा है और वैक्सीन रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहीं पे। ये आपको दिखाना चाहेंगे का भारी संख्या में महिलाएं भी जागरूक हो चुकी हैं और पुरुष भी हैं इसमें काफ़ी संख्या में जो जागरूक है इस वक्त लगवाने में, जो टीका लगवा रहे हैं कोविड का, इसमें कोई तरह से परेशानी नहीं हो रही है। माता जी आप कहाँ से हैं? भैया हम यही गोंडा से हैं। गोंडा से हैं। वैक्सीन का आपने लगवाया वैक्सीन? नहीं, ये दूसरा डोज है अभी, पर्ची नहीं वो हुआ है। हाँ। ये माता जी रजिस्ट्रेशन कराने आई हैं, अभी इनका दूसरा डोज लगना है इसलिए यहाँ पे खड़ी हो। और देखिए उधर भी महिलाएं, उनको भी दिखाना चाहेंगे और काफ़ी देर से देखिए यहाँ पे खड़ी हैं। और ये देखिए यहाँ पे खड़ी हैं काफ़ी महिलाएं और सुरक्षा कर्मी भी। पहला है टीका कि दूसरा है? पहला है। आप? मेरा भी पहला है। ये है देखिए बच्चियाँ भी जा, ये है, ये मुस्लिम महिलाएं हैं, इनसे जाने की कोशिश करेंगे कि आप मतलब अपने मर्जी से टीका लगवाने आए हैं। पहला टीका है कि आप? पहला टीका है। ये इच्छा से टीका लगवा रहे हैं क्योंकि ये जो है सभी को टीका लगना है और सभी सुरक्षित रहे और कोविड जो महामारी बीमारी है इसको भगाया जाए भारत से, इसलिए ये भी इस अभियान में शामिल हैं। मैं अभी वहीं चलता हूं जहां आपको बताया था कुछ देर पहले कि मैं टीकाकरण जहां हो रहा है, टीका लग रहा है, वहां की स्थिति जानने की कोशिश करेंगे। ये वैक्सीन जहाँ टीका लग रहा है उसी सेंटर पर मैं पहुँच चुका हूँ और आपको दिखाना चाहेंगे। ये महिला आई है से। ये भी देखिए आप कहाँ से? आपको टीका लग चुका? ये सबको टीका लग चुका है, ये बड़े अपने अच्छा से लगा चुकी है, लगवा चुकी है टीका। और आप जी जहाँ ये टीकाकरण जहाँ पे है उस काउंटर पे जा रहे हैं, आपको वही दिखाना चाहेंगे। हाँ ये है, इनसे भी जाने की कोशिश करेंगे। ये वैक्सीन सेंटर से वापस आ रहे हैं, देखा है कि क्या आपने टीका लगवाया? नहीं, टीका वहाँ लाइन में पहले ये रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में फिर यहाँ आए तो पता चला कि यहाँ पे वैक्सीन का स्टॉक ही ख़त्म हो गया है। और नियर अबाउट हम लोग 70 किलोमीटर से आए हुए हैं और हम लोग आए हैं परसपुर से। कितने लोग हैं? दो लोग हैं। दो लोग हैं। अच्छा, पहले हम आके तो अभी आपके इसमें मोहर भी तो नहीं लगी है? नहीं, मोहर तो उन्होंने बताया कि ठीक है, चलो मोहर की कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने ऑनलाइन बुक किया है तो आपका वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले हमने आके यहाँ पे इंक्वायरी लिया कि लग जाएगी वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन की कमी है? कोविशील्ड। बताते हैं कि अभी आप जाकर रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर हम आपको वैक्सीन लगा दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ पे आए तो पता चल रहा है कि वैक्सीन ही खत्म है, बता रही है। मेरा नाम संजय पांडे है। संजय पांडे बता रहे थे परसपुर से साइड से आए हुए हैं, जो करीब 30-40 किलोमीटर लगभग पड़ता है यहाँ पे। नहीं चाहिए कि वैक्सीन जो है, प्रधानमंत्री का आह्वान है कि सभी को वैक्सीन लगे, कोई किसी की परेशानी ना हो और कोई परेशान ना हो। ये है, ये यहाँ की ये समस्या है। कुछ लोग ऐसे ही मतलब यहाँ पे हमें मिले और जिनका मतलब टीका नहीं लग सका और वापस जाने के उसमें हैं और काफ़ी दूर से आए, ऐसा इनका आरोप है। और मैं हामिद अली, कैमरामैन तौफीक के साथ लाइव न्यूज 18 गोंडा।